ओम शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक मात पिता की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर, नशा रहे कि कल्पकल्प, हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक मात पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं, हमको भक्ति का फल देने मात पिता को आना है जरूर। अब वह मात पिता कौन है यह तो बिचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन, इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही मात पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे, यहां फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे मात पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुना। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सद्गुरु उसको कहा जाता है। वह है सर्व का सद्गति दाता, वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सत्युग त्रेता को, रात द्वापर कलियुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताष्ट पिता, सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य है तीन संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके।
अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी पांच विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को, लिबरेट किया जाता है, दुख से माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है। गीता में भी है मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है। वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावें। अपने घर का तो हरेक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं। बाकी सहार नहीं कर सकते क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ है सहज योग वा याद। भारत का ज्ञान वा योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडाप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडाप्ट करते हैं तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडाप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडाप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है। हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी वन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहां वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो।
वहां है बंधन, यहां मात पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं, फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे, बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहां की बात कहां ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सीलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहां नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर, यहां फिर मदर भी है। नंबर वन फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस, और उन्हों का बाप दादा भाई बहने तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहां से फिर नंबरवार आते हैं। यहां है जीवन बंध। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती। हर एक के कर्मबंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं। अच्छे शुरूर बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना हैं। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धियोग लगाना है। वह हमारा मात पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है।
अच्छा, माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगत अम्बा को कैसे रचा? यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई, इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दो, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है।